शाहरुख खान राष्ट्र की धरोहर है, इसे बचा कर रखना चाहिए। हाँ भैया, किसी म्यूजियम वगैरह में रखवा दो शाहरुख खान को। फिर कहाँ टॉम क्रूज और कहाँ शाहरुख खान, ऐसा कहना है शाहरुख खान के फैंस का। मतलब टॉम क्रूज बहुत ही नॉर्मल है यार, बहुत ही, मतलब उसको एक्टिंग वेक्टिंग कुछ नहीं आती, उसकी फिल्में मतलब 100-200 रुपए भी नहीं कमाती है, और शाहरुख खान की फिल्में विश्व में एक इतिहास रचती है, क्रांति लाती है, ऐसा कहना है शाहरुख के फैंस का। शाहरुख खान की फिल्म पठान की चापलूसी करने में बहुत सारे लोगों ने अपना अतुलनीय योगदान दिया है। फिल्म को सुपर डुपर हिट बताया, फिल्म की कहानी अनोखी बताई और फिल्म ने 800 करोड़ रुपए कमा लिए 10 दिनों में, इस तरह की भी बातें की जा रही है। लेकिन चापलूसी करने वालों में बॉलीवुड के ही लोग नहीं है, बल्कि एक अमेरिका के पत्रकार हैं स्कॉट मेंडलसन। इन्होंने शाहरुख खान की फिल्म पठान और शाहरुख खान की तारीफ की तो इन्हें लेने के देने पड़ गए। शाहरुख खान के जो फैंस है वो इनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए और दुनिया भर की गालियां देने लगे, ट्रोल करने लगे। कहानी ऐसी है कि ये जो पत्रकार भाई साहब हैं, इन्होंने ये कह दिया कि शाहरुख जो है वो इंडिया के टॉम क्रूज है। बस यही बात शाहरुख खान के फैंस को बहुत बुरी लग गई और उन्होंने जमकर इस पत्रकार को सुनाना शुरू कर दिया, क्योंकि टॉम क्रूज के साथ शाहरुख खान की कोई तुलना ही नहीं होती है। कहाँ टॉम क्रूज और कहाँ शाहरुख खान, ऐसा कहना है शाहरुख खान के फैंस का। मतलब टॉम क्रूज बहुत ही नॉर्मल है यार, बहुत ही, मतलब उसको एक्टिंग वेक्टिंग कुछ नहीं आती, उसकी फिल्में मतलब 100-200 रुपए भी नहीं कमाती है, और शाहरुख खान की फिल्में विश्व में एक इतिहास रचती है, क्रांति लाती है, ऐसा कहना है शाहरुख के फैंस का। किसने कहा कि इंडिया का टॉम क्रूज नहीं, इंडिया का वो शाहरुख खान है। आप ये भी तो कह सकते हो टॉम क्रूज के लिए कि वो विदेशियों का शाहरुख खान है, ऐसा क्यों नहीं कहते हो। किसी ने लिखा कि शाहरुख खान शाहरुख खान है, टॉम क्रूज से उसकी कोई तुलना ही नहीं बनती है, शाहरुख के सामने तो टॉम क्रूज कुछ भी नहीं है। शाहरुख खान राष्ट्र की धरोहर है, इसे बचा कर रखना चाहिए। हाँ भैया, किसी म्यूजियम वगैरह में रखवा दो शाहरुख खान को। फिर शाहरुख खान इस देश की, दुनिया की पहचान है, इंडिया को शाहरुख खान के नाम से जाना जाता है। अब सोचिए कि बेचारा तारीफ कर रहा था शाहरुख खान की पठान की और उसकी, लेकिन शाहरुख खान के फैन तो नहा धोकर पीछे ही पड़ गए। अब शाहरुख के फैंस को कौन समझाए, अब उस बेचारे पत्रकार को भी कौन समझाए कि ये शाहरुख के फैंस हैं। आप एक साधारण सी न्यूज भी देते हो तो ये गाली गलौज पर, मारपीट पर उतर आते हैं। तुम तो फिर भी तारीफ कर रहे हो और तारीफ करने के बाद भी गालियां सुन रहे हो, तुम्हारी जिंदगी की तो ऐसी की तैसी कर दी है भाई। कहां से तुम्हारे दिमाग में ऐसा सूझा कि शाहरुख खान की तुलना तुम टॉम क्रूज से कर दिए। कहां शाहरुख खान की फिल्में 800 करोड़ कमा रही है और कहां टॉम क्रूज की फिल्में सिर्फ 12,000 करोड़। ये कोई बजट होता है 12,000 करोड़? कुछ भी नहीं है, 800 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब शाहरुख के फैंस की गिनती भी नहीं जानते हो। टॉम क्रूज जो स्टंट करते हैं ना, उसके लिए शाहरुख खान को अपनी बॉडी डबल रखने पड़ते हैं। शाहरुख ने खुद के कोई स्टंट कभी नहीं किए हैं, और जबकि टॉम क्रूज भैया वो बिल्डिंग से कूद जाता है, जहाजों से लटक जाता है, क्या क्या करता है, वो टॉम क्रूज है भाई। कहां उसकी तुलना शाहरुख खान से कर रहे हो। जबरदस्ती मीडिया, पीआर, पब्लिसिटी, फलाना ढिमकाना करके महान बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। महान बना इसलिए रहे क्योंकि शाहरुख खान ने कहा था कि हम पॉजिटिव लोग हैं, जिंदा लोग हैं, जितने भी पॉजिटिव लोग हैं जिंदा हैं, बाकी बॉयकॉट करने वाले मर चुके हैं, निगेटिव लोग हैं। कहां शाहरुख के फैंस को समझाने पहुंचे थे।